हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मानव रचना यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे फिल करनी होती है, कैसा फिल करनी होती है, क्या सारे प्रोसेस होते हैं, आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया है मानव रचना यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। ओके, आपको अभी क्या करना है, अपने ब्राउजर में google.com ओपन करना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है मानव रचना यूनिवर्सिटी 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको मानव रचना यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलते हैं। गूगल सर्च पर क्लिक करके सर्च करना, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स। शुरू है एप्लीकेशन फॉर्म भी सब लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। ओके, UGNPG कोर्सेज के लिए फॉर फर्स्ट फेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन 27 मई 2021। मानव रचना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 विल बी ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करनी है, इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस एंड गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक करनी है। इस चीज़ से क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे मानव रचना यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है UGNPG कोर्सेज के लिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना फर्स्ट वाले लिंक पे ही, और जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर देनी होगी। जब इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं आप जो है न्यू टैब में ओपन होते हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने होंगे। जब भी आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफर करती है मानव रचना यूनिवर्सिटी अलग अलग, तो वो आप प्रोग्राम्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को मानव रचना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पहले करूँगा, लॉगिन नहीं। ओके, पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। मेरा नाम क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड मुझे एक क्रिएट करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टेट, मेरा स्टेट कौन से स्टेट का मैं रहने वाला हूँ, उसके बाद सिटी, सेलेक्ट प्रोग्राम्स, स्पेशलाइजेशंस, सेलेक्ट सीज़न एंड टिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ मानव रचना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बैक टू होम पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा वैसे भी हो चुका है, थैंक यू आ चुका है। मेरे ईमेल आईडी में मेरे को मेल आया है, अब मेल ओपन करके देखता हूँ। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी में यहाँ पर देख सकते हैं इसका वेरीफिकेशन अकाउंट अप्लाई आ चुका है। यहाँ पर मेरे को क्लिक करना होगा इस लिंक पर। जब इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सो प्रोग्राम्स पहले तो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, फर्स्ट वाले में पोस्ट ग्रेजुएशन से या फिर अंडर ग्रेजुएशन के लिए। सीजन बताएंगे यहाँ पर और कोर्स प्रेफरेंस यहाँ पर बता देंगे कौन सा कोर्स, BCom LLM कोर्स प्रेफरेंस एंड थर्ड एप्लीकेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर टाइटल, मिसेस, मिस्टर जो भी है, आपका नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी होती है और जेंडर बतानी है, नेशनलिटी बतानी है, डोमेन से सर्टिफिकेट आपके कौन से स्टेट का है आपके पास, रिलीजन सर्टिफिकेट, ओके रिलीजन बताएंगे आप, मदर टंग आपकी क्या है, कौन से लैंग्वेज में बोलते हैं आपकी मदर टंग, कैटेगरी जनरल है तो क्या है, कौन सी है, आधार कार्ड नंबर देना होता है, डू यू हैव एनी फिजिकली चैलेंज, यस या नो में आंसर देना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं फादर डिटेल्स, फादर सॉल्यूशंस। ओके, सो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा फादर नेम, यहाँ पे टाइप करूँगा मोबाइल नंबर उनका क्या है, फादर्स ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशंस क्या करते हैं वो, फादर डिजाइनेशंस, कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और डिजाइनेशन क्या है उनकी उस कंपनी में, मदर्स डिटेल्स तो यहाँ पर मिसेस, डॉक्टर या फिर क्या है, फिर उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मदर्स ऑक्यूपेशंस यहाँ पर देनी होती है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, डिफेंस, गवर्नमेंट सेक्टर, होम मेकर, प्राइवेट जो भी है बताने हैं। एनी गार्जियन डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करके, यस 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 जो भी अपना आंसर दे देना होगा, दूसरा कोई गार्जियन होगा तो उनका नाम डिटेल्स जो भी दे करके, फैनुअल फैमिली एनुअल इनकम इन रुपीज़ से बतानी होगी यहाँ पर, जितना भी रहेगा फैमिली एनुअल इनकम कितना है वो बता करके नेक्स्ट पे क्लिक करनी होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल्स आ चुके हैं, एड्रेस देना है यहाँ पर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, फिर एड्रेस 1, एड्रेस 2, पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर देने के बाद आपको दो
यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर, जो है कि आपका एस पे क्लिक करना है तो आपका मतलब एक ही एड्रेस है, दूसरा एड्रेस कोई नहीं है। नो पे क्लिक करते तो दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल करनी होगी, क्योंकि आपके पास दो एड्रेस है, तो आप नो पे क्लिक करना और दूसरा एड्रेस फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। मेरे पास एक ही एड्रेस है, मैं नो यस पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक डिटेल्स की तरफ आ चुका हूँ, जहाँ पर मेरे को 10th का इंस्टीट्यूट का नाम बताने होते हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी उसका नाम बता दूंगा यहाँ पर, बहुत सारा अलग अलग यहाँ पर अवेलेबल है। ईयर ऑफ पासिंग बताऊँगा यहाँ पर, मार्किंग स्कीम परसेंटेज में आए थे तो परसेंटेज में बता दूंगा यहाँ पर, ऑप्टेन मार्क्स कितने आए थे आपके 87, और आफ्टर 10 के बाद आपने क्या किया, 12th किया मैंने तो 12th बताऊँगा, 12th का स्टेटस बताऊँगा, डिक्लेयर हो चुकी है उसके मार्क्स, और स्कूल का नाम इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज होगा उसका नाम बताने के बाद यहाँ पे उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताऊँगा, ईयर ऑफ पासिंग बताऊँगा कौन सी ईयर मैंने पास किया। ओके अब यहाँ पे था 2010 एक्चुअली। ओके मार्किंग स्कीम परसेंटेज में, और यहाँ पर मेरे को आया था जितने भी मार्क्स वो बताऊँगा, और यहाँ पे हाउ यू अपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, नो हैव यू अपेयर, आपने किया क्या अपेयर, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। ओके सो नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है क्या। ओके वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखा है कि मनोरंजन यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहाँ से जाना, पहली बार कहाँ से सुना, फिर आप अप्लाई करने के आए यहाँ पे, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं, किसने बताया आपको फिल करने के लिए, किसके थ्रू, तो गूगल गूगल न्यूज़पेपर मैगजीन, डिजिटल मीडिया, रेडियो, या फिर एजुकेशन फेयर, कोचिंग सेंटर, फ्रेंड रिलेटिव की कोई पढ़ रहा था उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे पढ़ ले ज्वाइन हो जाए, जो भी है, मानोचना की वेबसाइट पे से, या फिर कैसे कैसे यहाँ पर आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, व्हाई डिड यू, ओके यहाँ पर मैं अपना आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाई डिड यू यू चूज़ अस, हमें क्यों चूज़ किया आपने, मानव रचना को क्यों चूज़ किया, ठीक है। अब प्लेसमेंट अच्छी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर लोकेशन अच्छी है, या फिर एकेडमिक रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो यहाँ की, किस वजह से आपने इसको चूज़ किया, तो आपको देने हैं मेरे को एकेडमिक रेपुटेशन अच्छी, और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे अपलोड करनी होती है कुछ फाइल्स, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स, अपलोड योर स्कैन कॉपी सिग्नेचर्स, अपलोड योर 10th सर्टिफिकेट, अपलोड योर इंटरमीडिएट मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका चाहिए, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और डिक्लेरेशंस आ जाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पे आई विल मेंटेन एटलीस्ट 75 अटेंडेंस इन ईच सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, जो भी यहाँ पर लिखा हो डिक्लेयर आपको खुद ही करना होगा कि मैं यहाँ पे मानता हूँ ये बात को, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी मुझे बोलने करने को बोल रही है वो मैं करूँगा, तो यहाँ पर वो पढ़ना है क्या करने को बोल रही है वो ज़रूर पढ़ना है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है पढ़ने के बाद अगर आप एग्री हैं तो। फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करना होगा। अब आपके पास ऑप्शंस है, मेथड है अलग अलग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, जो भी आपके पास ऑप्शंस है, तो आप यहाँ पर वो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सेविंग कोड, कार्ड होल्डर नेम एंड पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म के आपको प्रिंट आउट जरूर निकाल लेने, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर रेफरेंस में बहुत काम आते हैं। ओके आगे मतलब कभी भी काम आ सकता है, तो वो आप दिखा करके ईजी काम हो सकता है, तो इसलिए आपको जो है प्रिंट आउट निकाल भी लेना है, इंपॉर्टेंट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कहीं से भी निकलवा लेना है। सो थैंक यू। ओके तो ये इस तरीके से सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।